काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक रहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का आज देश बलिदान दिवस मना रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन की जब बात आती है तब हमें मुख्य रूप से तीन नाम याद आते हैं, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन की पटकथा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ही लिखी थी। तो आइए जानते हैं उस महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म जून 29, 1901 को बांग्लादेश के पबना जिले में हुआ था, जो ब्रिटिश काल में बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि लेखन कार्य में उन्हें महारत हासिल थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वे बंगाल साहित्य परिषद के मानद सचिव के साथ साथ वहां के स्वास्थ्य संघ के सचिव भी थे। लाहिड़ी बंग बानी समाचार पत्र और अग्रदूत मासिक पत्रिका के लिए लेखन के साथ ही शंका के संपादक तक रहे थे। जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था उस समय वे इतिहास विषय में एमए की पढ़ाई कर रहे थे। आखिर क्या था काकोरी ट्रेन एक्शन? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने से क्रांतिकारियों को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मगर धन और हथियार की कमी उनके रास्ते में आ रही थी। इसी कमी को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से चली ट्रेन को लखनऊ से 8 किलोमीटर पहले लूट लिया गया। ये घटना अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा पड़ने के समान थी, इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत क्रांतिकारियों की खोज में लगा दी। आखिरकार अंग्रेजों ने इस आरोप में राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई और तारीख तय हुई दिसंबर 19, 1927। लेकिन जब अंग्रेजों को मालूम हुआ कि काकोरी ट्रेन एक्शन के पीछे असल दिमाग राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का ही था, तब अंग्रेजों ने लाहिड़ी को अपने लिए खतरा मानते हुए उन्हें तय तारीख से 2 दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिनके जिंदा रहने के दौरान ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी दुश्मन उनसे भयभीत थे। अंग्रेजों को लगता था कि उनकी मौत की खबर सुनकर जेल में विद्रोह हो सकता है, इसीलिए उन्होंने गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। फांसी पर झूलने के समय भी उनके मुख से वंदे मातरम ही निकल रहा था। जिस दिन उन्हें फांसी होनी थी उस दिन भी उन्होंने भगवद गीता का पाठ किया था। उन्होंने कहा था कि वो मृत्यु के लिए फांसी के फंदे पर झूलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इससे उन्हें स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है।